दसवीं विषय हिंदी पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कवि तुलसीदास जी और व्याख्यान संख्या है 1। इस पाठ को हम 4 व्याख्यान में पढ़ेंगे और 2 व्याख्यान में हम इसका संक्षिप्त सार आपको दोबारा से दोहराई के लिए करवाएंगे। तो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और ये पाठ तुलसीदास जी द्वारा कृत है, लिखा गया है। तो सबसे पहले आइए हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो जो तुलसीदास थे, गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1532 में हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थल राजापुर बांदा ज़िला को मानते हैं और कुछ सोरो एटा ज़िला को। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। उनके माता पिता से बिछुड़कर उन्हें अकेले जीवन जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नर हरिदास था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति करने लगे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम गुणगान करते रहे और सन 1623 में उनका देहावसान हुआ। अब हम पढ़ते हैं उनकी, तुलसीदास जी की रचनाएं, कि तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। तो तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु और वैराग्य संदीपनी। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्धि और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। अब हम देखते हैं तुलसीदास जी की भाषा शैली। तो तुलसी को ब्रज तथा अवधि पर समान अधिकार प्राप्त है, अर्थात दोनों भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की अवधि में और विनय पत्रिका ब्रज में। उनकी भाषा इतनी सरस है कि आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा और मुक्तक छंद भी लिखे। उनके गीत संगीत की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी ये गायकों को प्रिय है। तुलसीदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। उपमा का एक उदाहरण देखिए, कोटि कुलिस सम वचनों तुम्हारा। अनुप्रास तो उनकी प्रत्येक पंक्ति में बिखरा पड़ा है। दोहा, चौपाई, सौठा, कवित और सवैया उनके प्रिय छंद है। तो पाठ का हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, पाठ का परिचय देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता और गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्रीराम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं पहला पद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही के एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लराई। सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सौ रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ने असी रिस की नहीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु,
सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। पहले हम पाठ में आए इस पद्यांश के अंदर आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। नाथ, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। शंभु धनु, शंभु का अर्थ है शिव। धनु का अर्थ होता है धनुष, यानी शिवजी का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। आयसु का अर्थ है आज्ञा। मोही का अर्थ है मुझे। रिसाई क्रोध करने वाला। कोही क्रोधी। सेवकाई सेवा करने वाला। अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु। और करनी जो शत्रुता का काम करे। जेही जिसने। रिपु का अर्थ शत्रु। बिलगाऊ अलग करके। बिहाई छोड़कर। मुस्कुराने मुस्कुराने लगा। अवमाने अपमान। लरिकाई लड़कपन में। हेतु कारण। भृगु कुल केतु भृगु वंश की पताका का पताका रूप परशुराम, या भृगु वंश की पताका स्वरूप परशुराम। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि इसका भाव क्या है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर प्रसंग दिया गया है वो सीता स्वयंवर का यहाँ पर है कि जब राम ने सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया था, भगवान शिव के धनुष को भंग कर दिया था, और जब इसका समाचार परशुराम को मिला तो वे बड़े ही क्रोधी स्वभाव वाले थे और वहाँ पर वे बड़े ही क्रोध में आते हैं सभा के अंदर, और शिव धनुष को तोड़ने वाले खंडित करने वाले को वहाँ पर ललकारते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है उसको वो सहस्रबाहु के समान अपना शत्रु बताते हैं, और वहाँ पर बड़े ही क्रोधित होकर धनुष भंग करने वाले के संबंध में पूछते हैं। और इस पर राम बड़े ही समुचित ढंग से उनको उत्तर देते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। शंभु का अर्थ है शिव। धनु का अर्थ धनुष। और भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ है भंग करने वाला या तोड़ने वाला। तो हे नाथ, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, जिसने भी शिव धनुष का को भंग किया है, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। हो ही का अर्थ है होगा, केऊ कोई, और दास का अर्थ होता है सेवक। वह आपका कोई सेवक ही होगा या दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही। आपकी क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। आयसु का अर्थ होता है आज्ञा, कि आपकी क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए या मुझसे क्यों नहीं कहते। ये बात राम ने यहाँ पर परशुराम जी को कही है कि आप मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सुनी सुनकर, रिसाई का अर्थ क्रोध है, और यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, क्योंकि परशुराम जो थे वो बड़े ही क्रोधी स्वभाव के थे, तो क्रोध में भरकर बोले। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकाई का अर्थ होता है सेवा का काम करने वाला। सेवकु सेवक, कि सेवक तो वह होता है। करई का अर्थ होता है करता है, कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। तो यहाँ पर परशुराम ने सेवक की पहचान बताई कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है। अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रुता। और करनी करे, जो शत्रुता का कर्म करे, अर्थात जो शत्रुता का कार्य करे उसके साथ तो लड़ाई, लड़ाई का अर्थ होता है लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर परशुराम जो है वो राम को कहते हैं कि राम, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा। सुनहु सुनो राम, राम जेही जिसने भी, कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम, सम का अर्थ है समान। रिपु का अर्थ है दुश्मन शत्रु। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्र बाहु राजा के समान ही मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। तो वह इस सभा से, इस समाज से। बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग हो जाना, और बिहाई का अर्थ होता है छोड़कर। तो वह इस सभा से, इस समाज से अलग हो जाए।
नैते मारे जाही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, कि जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है वह इस सभा से अलग हो जाए, वरना यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। भाव यह है कि जिसने यह धनुष तोड़ा है वह निकलकर बाहर आ जाए ताकि मैं उसे दंड दे सकूं। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, मुनि के ऐसे वचन सुनकर, मुनि कौन है? परशुराम। कि मुनि परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरही अवमाने, अवमाने का अर्थ होता है अपमान, परसु का अर्थ है फरसा, धरही धारण करने वाला, तो फरसा धारण करने वाला कौन था? परशुराम। तो मुनि के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और फरसाधारी परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने बचपन में, लरिकाई का अर्थ है बचपन में, धनु ही का अर्थ है छोटे धनुष, कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे। कबहू ने असी रिस, रिस का अर्थ है क्रोध, कि तब तो, और गोसाई, गोसाई का अर्थ है स्वामी, कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु स्वामी, हे स्वामी, उस पर तो आपने कभी क्रोध नहीं किया जैसा कि इस समय आप कर रहे हैं। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के प्रति आपकी ऐसी ममता क्यों है, या इस ममता का क्या कारण है? तो लक्ष्मण के ऐसे कथन सुनकर सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर भृगु वंश की ध्वजा माने जाने वाले परशुराम क्रोधित होकर बोले, रे नृप काल बस बोलत तो ही न संभार। नृप का अर्थ होता है राजा, बालक का अर्थ है बालक, राजा का बालक, राजपुत्र। काल का अर्थ होता है काल के, मौत के, बस का अर्थ है अधीन होकर के, और बोलत का अर्थ है बोलना। तो ही तुम, ने नहीं, संभार संभल कर, कि हे राजकुमार तुम काल के अधीन होकर संभल कर नहीं बोल रहे हो, क्या तुम नहीं? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी का अर्थ है भगवान शिव, धनु का अर्थ है धनुष, विदित का अर्थ होता है जानना, सकल का अर्थ है समस्त, और संसार का अर्थ है संसार, कि क्या तुम नहीं जानते कि यह भगवान शिव का धनुष है, अन्य धनुषों के समान नहीं है या उनसे अलग है, और इस बात को सारा संसार जानता है, अर्थात यह कोई साधारण धनुष नहीं है बल्कि यह भगवान शिव का धनुष है और इस बात को सारा संसार जानता है। अब हम इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य, इसके अंदर अवधी भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे शिल्प सौंदर्य देखिए, शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं, कि रचना में गेयता का गुण है, भाषा जो है भाव अनुकूल और पात्र अनुकूल है, और यहाँ पर जो है रचना का आंतरिक सौंदर्य जो है वो अनुप्रास अलंकार, कहा कहिए किन करिए करी करिए, सहस्र बाहु सो बिलगाऊ बिहाई असी रिस सकल संसार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शिव धनुष के लिए शंभु त्रिपुरारी, शिव के लिए शंभु और त्रिपुरारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। परशुराम के लिए यहाँ भृगु कुल केतु जैसे शब्दों का प्रयोग कवि ने बड़ी ही काव्य कुशलता के साथ दर्शाया है। हम इसका भाव सौंदर्य देखते हैं, कि भाव सौंदर्य में जो है यहाँ पर श्री रामचरित मानस से संकलित इस काव्य इन काव्य पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास ने शिव धनुष टूटने के प्रसंग में परशुराम जी के रौद्र रूप को दर्शाया है। तो यहाँ पर रस भी कौन सा है? रौद्र रस का प्रयोग यहाँ किया गया है। क्रोधित परशुराम जी को शांत करने के प्रयास में स्वयं को राम उनका दास कहते हैं और बड़ी ही विनम्रता के साथ उनसे बात करते हैं, किंतु परशुराम द्वारा उन्हें सहस्त्रबाहु सम शत्रु मानना, सामाजिक बहिष्कार की आज्ञा सुनाना, उनके भीषण क्रोध और गीदड़ भभकियों को जिसे असहनीय मानकर उग्र स्वभाव के कारण लक्ष्मण उनसे तर्क करते नजर आते हैं, उनके रौद्र रूप को चित्रित करता है। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से परशुराम तिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं।
अब आपके लिए गृह कार्य है कि जो पद आपने पढ़ा है उसके ऊपर आधारित हमने यहाँ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा है? स्वयंवर स्थल पर शिवधनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया, उसे कैसे धमकी दी थी? काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी है। और चौथा प्रश्न है कि पठित काव्यांश में से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण छांटकर लिखना है।